और अभी हम लोग हरिद्वार में ये ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं, ये है हरिद्वार की गंगा जी। और यहाँ से पीछे दिखता है, यहाँ पर सामने से धूप आ रही है, मनसा देवी माता का मंदिर, और जो ट्रॉलीज चल रही होती हैं वो भी सब दिखती रहती हैं। और हम लोग यहाँ ब्रिज क्रॉस कर कर जा रहे हैं आगे ऋषिकेश के लिए, और आज हम लोग पूरा दिन घूमने वाले हैं ऋषिकेश में, और अपने साथ में आप सब लोगों को भी घुमाने वाली हूँ ऋषिकेश। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन पहले ऋषिकेश आ चुका है, और आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर पीछे खड़े हैं बच्चे, पानी को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, गंगा जल देख कर इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर इतना सब कुछ तो नहीं दिखता है, और बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हेलो काव्या, पीछे देखो, हेलो करो कार्तिक, हेलो काव्या, हेलो काव्या, हेलो। और काव्या ने कल रात को ली है एक डॉल, तो वो अपने साथ लेकर आई है। कार्तिक ने वॉच परचेज की थी तो उसने वॉच अपने हैंड पर बांध रखी है और उसको लेकर ही घूम रहा है। तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का ना बहुत 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 अच्छा लग रहा है हम सब लोगों को, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ का गंगा जल बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आज हम लोग अभी ऋषिकेश जा रहे हैं, और आज की गंगा जी हम लोग नहाएंगे ऋषिकेश में, और कल और आज शाम को ही हम लोग वापस भी आएंगे, तो फिर कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ फिर से आएंगे और गंगा जी स्नान करेंगे। समुंदर दिखा दूँ कावे, साइन कावे बोलिए, मम्मा इधर फ़ोन करके इधर समुंदर दिखा दो, समंदर। तो बस हमने ये ब्रिज है इसको क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से हमें मिलने वाली है ऋषिकेश के लिए सवारी, तो वो मैं सब आपको दिखाती रहूँगी जैसे जैसे हम लोग घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को।
लक्ष्मण झूला पर। और इस टाइम हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ का जो व्यू है बहुत 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 ही अच्छा है। मतलब हमने हरिद्वार घूम लिया, चंडी देवी माँ के दर्शन कर लिए, मनसा देवी माँ के दर्शन कर लिए, हर जगह का अपना एक अलग व्यू है और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लक्ष्मण झूला पर जब आप खड़े होते हैं यहाँ पर चारों तरफ का इतना अच्छा दिख रहा है कि नीचे गंगा जी है और आसपास इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सामने की तरफ मंदिर बने हुए हैं। और ये लक्ष्मण झूला पर यहाँ पर गाय भी है, स्कूटर वगैरह यहाँ से सब क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर घूमते हैं और अपने साथ आपको भी घुमाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। चाय, हम लोग यहाँ पर चाय पीने वाले हैं और जस्ट यहाँ पर सामने है मंदिर जो कि मैं अभी आपको कैमरे में दिखा रही थी। ये मंदिर है 11th फ्लोर का और बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और अभी हम लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएंगे या नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थकने वाले हैं 11th फ्लोर तक ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो हम लोग सोच रहे हैं नीचे से ही हाथ जोड़ लें। और मंदिर बहुत अच्छा दिख रहा है, जितना भी ये जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा मैं अभी कोशिश करूँगी दिखाने की, हर उसमें एक एक भगवान जी का मंदिर बनाया गया है। जैसे मेरे जस्ट सामने काली माँ दिख रही हैं और ऊपर चंद्रघंटा देवी जी हैं, स्कंद माता है, जितने भी भगवान जी होते हैं सभी भगवान जी की सामने प्रतिमाएं हैं और बहुत 11th फ्लोर ऊंचा हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी ऊपर चढ़ते चढ़ते। 11th फ्लोर है ऊपर, मैं बैठ के यही देख रही थी कार पे। ये देख लो बच्चे हमारे लेकर आए हैं ऊपर चिप्स, चिप्स लाए हो कार्तिक, आप मत खाना ही भी आया। रख लो, जब तबीयत सही लगेगी तब खाना भी। ऊपर चलने का इरादा है कार्तिक सबसे ऊपर? काबे बोली है इरादा, है इरादा पैदल चलना पड़ेगा। तो हमारी अब मम्मी ये चाय, मुझे ये दे दिलवा, मम्मा मेरी दाल पतल लो, मम्मा मेरी दाल पतल लो, यही खिला दूंगी। एक पैकेट ही दे दो भैया दोनों, मैं खाऊंगी चाय के साथ ये और हम लोग पियेंगे चाय। कहते आप भी चाय से यही खा लो, क्या खा लो चाय से? क्या ये ब्रेड, ये वाली, ये क्या है? ऐसी वाली ब्रेड, ये क्या थी ब्रेड? अरे जो मम्मा लाती है ना, इसमें बस चेरी नहीं होगी, ये भी नहीं खाना। चलो छीला भी पड़ता है। क्या नाम है भैया इसका? रामफल है, चकोतरा। रामफल
छुट्टी खराब हो गई मेरी छुट्टी भूल इसको क्या बोलते हैं साफे कहने के आ रही है मुझे भी इसका नाम नहीं पता चाहते रुपए ले लो भैया से सो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई है काव्या लेकर ये इसको मैं खाने वाली हूँ इसको कैंडी क्रश बोल रहे हैं शायद और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे जस्ट राइट में यहाँ पर है ये राम लला झूला तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे यहीं पर बैठेंगे क्योंकि सामने का जो व्यू है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर रेस्ट करने वाले हैं यहीं पर बैठकर गंगा मैया को देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से पूरा पुल क्रॉस करके जाएंगे फिर उधर हम लोग गंगा स्नान वगैरह करेंगे तब तक हम लोग इसको खाकर इंजॉय करेंगे अच्छा है ना काव्या यहाँ पर मम्मा और काव्या खा रहे हैं आइसक्रीम नहीं है इतना देखने में हैवी है उतना ही मुंह में जाते ही गायब हो जाता है काव्या आपको पसंद आया काव्या ने शायद पहले कभी नहीं खाया है कहाँ पूछने चले बोटिंग का चलो जाना है बोट है शायद उस पार उतार दे वैसे हम लोग ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे पैदल चल के उधर जाना पड़ेगा चलो ब्रिज से चल लो बोट से चलेंगे खाना क्यों भाई